आपके बाप का जन्म नहीं दिया। काल अकाल पड़ते थे छोटे खा 363 लोग शहीद हुए ही नहीं थे। कृष्ण समाज को अपराधी घोषित करना है, जो पहचान है जीव दया पालने रूख लीलों में गावे, उस छवि को धूमिल करने की जो साजिश की जा रही है उस साजिश को समझने की है। साजिश क्या है? विष्णु समाज को अपराधी घोषित करने के लिए कई समाज कई सामंतवादी ताकतें और प्रशासन एकजुट होकर तय कर चुके हैं विष्णु समाज को अपराधी घोषित करना है। हमारे पास जीव दया रूख लीलों ने गावे का जो नियम है उस नियम से आज हम यहाँ तक आए, यहाँ बैठे हैं और वो हमारी पहचान है। उस पहचान से हमें विश्व में हमारी जो पहचान है वो पहचान बनी हुई है। कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं साथियों, ये मैं कहना चाहूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले समय में ये सामंतवादी ताकतें आपको ये कहेगी कि 1730 में 363 लोग शहीद हुए ही नहीं थे। ये बातें आज षड्यंत्र से तय की जा रही है क्योंकि उस समय के जो इतिहासकार थे वो इतिहासकारों ने हमारे उस इतिहास को दर्ज नहीं किया और ये लोग ये षड्यंत्र कर रहे कि इस प्रकार से समाज पर लांछन लगाया जाए और बार बार किसी को अपराधी कहा जाए ताकि वो आक्रोश और उत्तेजित होकर अपराध की तरफ बढ़े और अपराध करे और वो साबित कर सके। हमें किसी भी रूप में ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है जिससे हमें समाज पे कोई कालिक लगे या समाज के लांछन लगे। हम इस समाज के लिए, हम अपने नियमों के लिए, हमारे 29 नियमों की वजह से विष्णु समाज की पहचान है। 120 शब्दों के आचार संहिता में रहते हुए आज यहाँ से ही संकल्प लेना है कि हमें हमारे विष्णु समाज की उस पहचान के लिए आंदोलन करना है और वो पहचान वापस कायम करनी है। कुछ सामंतवादी ताकते ये कुकृत्य करने का प्रयास करेगी कि हमें अपराधी घोषित करे, लेकिन हमें संयम रखते हुए ये आंदोलन लड़ना है। अब बात करते हैं इस पूरे प्रकरण की। यहाँ पे पहले दिन 2004 में प्लांट लगा था और 2004 में दिनेश जी, भगवान राम जी और कई मेरे साथी बैठे बाप ये तहसील ऑफिस के सामने इसी प्रकार का क्या एक धंधा लगा था। उस धरने में उस समय मैंने ये बातें रखी थी कि इस जमीन का संरक्षण हमारे बाप दादाओं ने भूखे प्यासे रह के और किया। काल अकाल पड़ते थे छोटे खाना खा कर इन पेड़ों को बचाए और तुम लोग एक रात में नीति बनाते उनको काट दो। आपने कभी भी कोई भी पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी में जन भागीदारी और जनता का सुझाव आवश्यक होते हैं। वहां स्थानीय निवासियों से कितने लोगों से सुझाव लिए कि ये पेड़ काटे जाने चाहिए कि नहीं काटे जाने चाहिए। ये इस प्रकार की योजना आप लोगों के लिए आ रही है, ये योजना लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, इस योजना से क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे क्या आप लोगों ने तय किया नहीं किया। 2004 का वो धरना छुटपुट जब भी यह घटना हुई है हम लोग मौके पे आए हैं और मौके पे जितने बन सके कार्रवाई की है। लेकिन साथियों इस बार बहुत बड़ा ये जो घटनाक्रम हुआ है, हजारों की संख्या में खेजड़ी पेड़ों को काट कर किस प्रकार से दफनाया गया है और हमारे समाज के लोगों को ही अपराधी कहा जा रहा है, इसलिए अब हमें हमारी पहचान के लिए लड़ाई लड़नी है। अब मैं बात करता हूं अपनी मांगों की। अपनी मांगें क्या होनी चाहिए? जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि पेड़ लगा दो और हम मान जाएंगे। मैंने कल महेंद्र बिश्नोई जी को गलत साहब ने बुलाया था तो उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ चल, कुछ बातें तेरे को जानकारी तू बता दे। मैंने कहा ठीक है साहब। हम कलेक्टर साहब के पास गए। कलेक्टर साहब ने कहा कि आप इससे कैसे मांगोगे ये बता लो। तो हमने तो यही निवेदन किया साहब कि आप ये बता दो कि 25 पेड़ काटने की अनुमति तहसीलदार देता है 15 पेड़ की, 25 की एसडीएम देता है और 35 के बाद में जो भी अनुमति है वो अनुमति कलेक्टर साहब आप देते हैं और आपने यहाँ से पिछले एक साल में कितने पेड़ों की अनुमति दी है वो कागज दे दे और उसकी योज में कितने पेड़ लगे वो कागज दे दे।
हम वहां जाके मना लेंगे कि भाई अनुमति दी, लोगों ने पैर लगाने थे, पैर लग गए, अपन सरकार से नहीं लड़ सकते, वो तो अपने बाप दादा अनपढ़ थे, इतने जानकार नहीं थे, इसलिए राजा से भिड़ गए और कानून बना लिया। हम तो पढ़े लिखे हैं, बहुत सभ्य इंसान है, सरकार कहती है वैसे मान लेते हैं और मान रहे हैं। तुगलक शाह ने कहा आप तो ये बात तो कर रहे हैं, वो समझौते वाली नहीं कर रहे। मैंने कहा साहब आपने पूछा, मैंने कहा है, अब आप बता दो समझौने वाली क्या बात है, आपके मन में क्या है, थोड़ा समय लूंगा लेकिन बताना जरूरी। कलेक्टर साहब ने कहा कि एमएलए साहब ये अध्यक्ष जी, मैं उन्होंने जाते ही मेरी पहचान करा दी कि यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है जोधपुर का और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 20 सालों से काम कर रहा है, इसलिए इसको साथ लाया हूँ। तो कलेक्टर साहब ने कहा ये अध्यक्ष जी तो कई मूड में नहीं लग रहे कि समझौता हो, आप विधायक महोदय हो, सरकार के प्रतिनिधि हो, आप बताओ कैसे होगा। विधायक जी ने सीधे कहा मैं अकेला फैसला करने की स्थिति में नहीं हूँ, समाज ने आह्वान किया है और मुझे खुद को समाज के साथ जाके बैठना पड़ेगा। अगर आपको समाज को अगर वास्तव में शांत करना है, न्याय देना है, तो आप कोई ऐसी कार्रवाई कर दो ताकि मैं कल लोगों के बीच जा सकूं। वो कार्रवाई क्या है, वो कार्रवाई ये है कि यहाँ के जो पटवारी, यहाँ के जो आरआई, यहाँ के तहसीलदार और यहाँ के एसडीएम और पुलिस, इन लोगों के मिली भगत से कार्रवाई हुई है, उनको सस्पेंड ऑर्डर निकाल दो, कल जाके मना लूंगा कि पहला काम आपका हो गया, इन लोगों की देखरेख में हुआ, इनका सस्पेंशन ऑर्डर हो गया, वो मैं फिर आगे की बात हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहरा साहब विधायक जी आप ये मैं नहीं कर सकता, आप तो खुद सरकार के भागीदारी है, आप खुद कहे तो मैं लेटर लिख देते, नहीं तो आप कर सकते। मैंने उनको कहा चलो ठीक है साहब, आपकी मंशा हमारे समझ में आ गई, आप केवल और केवल ये चाहते हो कि आप कोई निश्चित जगह बता दो, वहां कितने पैर लगा रहे, कंपनी वालों को मैं मना लूंगा और पैर लगवा दूंगा, कोई ऐसा लग रहा हमारे बात है, जगह पैर कार्टन रात का भूल दिया और जो कंपनी वालों के पैर लगा दो। मैंने कहा साहब पैर लगाओ मत लगाओ, हमारी हरदा ईद में लगाई ना, तो बटन गोंडा थे तो एक ही काम करो, दो चार पल चार गांव को पहले प्लांट लागो, बिंदो कागज काटो और कितनी अनुमति दी थे, कितने पैड आई भी अनुमति के मत है, कितना पैड बट लागू रहा है या बनकट लगाया है, पा जगह बताई दो। माने आता मैदान का लगे दो क्या चार गांव जगह प्लांट लागो, बिंदो अनुमति दी, बिंदो पैड लागा है यार, वो पैड लाग जी थे ना चकर लो यार, ये बात तो पुरानी हो गई। तो पुरानी हो गई तो एमएलए साहब के साहब अगले दो महीने पूछा थे कलेक्टर साहब आप वो कौन हो, और मैं तो हटी रहना, आप बदलते रहते, हम समाज के साथ रहते, समाज को जवाब हमें देना पड़ता है, इसलिए हमें जो अभी जो ये ज्वालामुखी उठी है उसको सही दिशा में चलते हुए कुछ ऐसे सरकार से कठोर नियम करवाना है, कानून बनवाना है, ताकि आने वाले भविष्य में हमें बार बार आंदोलन नहीं करने पड़े। मैं पिछले 20 सालों से हम लोग सभी हमारी टीम आंदोलन कर रही है, ऐसा कोई वाक्य नहीं होगा जब जीवों की हत्या होगी या पेड़ कटे हम लोग नहीं पहुंचे, चाहे कार्रवाई हो किस प्रकार की हो, लेकिन हमने मौके पर जाके अपने विरोध दर्ज कराए और कार्रवाई करने के लिए वो धरना प्रदर्शन जो भी करना किया है। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन बीच बीच में बना था, लेकिन वापस किसी दबाव के कारण हम बार बार विफल हो रहे हैं। इस बार हमें रणनीति के तहत एक सुनियोजित तरीके से सरकार पर दबाव बनाते हुए कुछ कानून बनवाने। दोस्तों 1983 के अंदर खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया था 1983 के अंदर। अब आप कह दो कि आप एमएलए हो सा, आपने रहे हो ठिकाने में कार्रवाई नहीं की, नहीं आप कहो एमएलए हो सा, आपके ने कागज लिखने की कोई कौन है तो क्या हो, राज्य वृक्ष बना दिया उसकी कोई नीति नहीं है, गाइडलाइन नहीं है कि राज्य वृक्ष को काटने की क्या अनुमति होगी, राज्य वृक्ष संरक्षण की क्या नीति होगी, कहा का राज्य वृक्ष। हम लोग कह रहे हैं कि खेजड़ी हमारे दिल से जुड़ा हुआ मामला है, इस खेजड़ी को बचाने के लिए 363 लोगों ने बलिदान दिया था, और अगर आप
लोगों से इसका संरक्षण नहीं हो पाता, छोड़ दो विश्वास कर ले हम इसका संरक्षण, क्योंकि हमारे 366 ने बलिदान दिया था, आपके लोगों ने उंगली नहीं कटाई थी, आपके लोगों ने बलिदान नहीं हटी था, हमने संरक्षण किया था, आपने कागजों में उसको राज्य अध्यक्ष घोषित कर दिया, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो भी ज्ञापन हो उस ज्ञापन में ये नीति हो, राज्य मुझे अपराध बार बार करता रहूंगा कि पर्यावरण बचा रहा है, क्योंकि मेरे बाप दादा ने वहां आहुति दी थी, अपने बलिदान दिया था, आपके बाप दादा ने नहीं दिया। इसलिए आज जो मंच पर लोग बैठे ये तय कर रहे हैं, और इनका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोगों की भावना क्या क्या है और क्या क्या होना चाहिए, आप सबको सुझाव लेके और उसके बाद में किससे भी वार्ता करें, वार्ता किससे करें, ये जो सभी एक नंबर के पहले अपराधी है इनसे हम वार्ता करेंगे, वार्ता करेंगे कलेक्टर से, और कलेक्टर को ये कहेंगे, कलेक्टर ने कल एक हमें बात कही थी कि आप जो कहें वो लेटर लिख के मैं सरकार को भेज सकता हूँ, मैंने कहा आज आप लेटर मत लिखो, लेटर लिखना कल, और हमारी भावना देख के लिखना, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारी भावना क्या है ईमानदार से भावना लिख के माननीय मुख्यमंत्री तक भेज देना, मुख्यमंत्री से मनाना हमारा काम है, लिखा तो सही, लिखना नहीं चाहते, सब मिली भक्त है, और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसे वालों का खेल है।